और एक बड़ा निर्णय ये हमारी कैबिनेट ने आज लिया है, कर्मचारियों के हित में उनको सुरक्षित करने के लिए मंत्रिमंडल ने ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदित जो हमारे कर्मचारी थे उनकी सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने का निर्णय ये और उन्हें अधिक सुविधाएं देने का निर्णय आज एक अध्यादेश के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से। नहीं तो मैं देखता था पूर्व की सरकारें खाली एक पर्ची के ऊपर लिख देती थी और वो कोर्ट में फंस जाते थे, जाकर के कोर्ट में घूमते रहते थे, उनको लाभ नहीं मिलता था। परंतु हमने, हमारी कैबिनेट ने ये निर्णय किया है कि कैकट ला करके उनको सुरक्षित करने का उनकी सेवानिवृत्ति तक ये आज प्रस्ताव आया है, आज एक्ट के माध्यम से प्रस्ताव को हमने पारित किया है। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। इसके लिए मैं सभी कर्मचारियों को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि ये सरकार लगातार उनके हित के लिए मजबूती से काम कर रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे अनुबंधित कर्मचारियों को जो पे स्केल का बेसिक वेतन वो प्रदान किया जाएगा, उनकी पे स्केल का बेसिक वेतन दिया जाएगा, डीए अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि भी होगी। अनुबंधित कर्मचारियों को एक साल की सेवा के बाद सालाना वेतन वृद्धि देने का भी प्रावधान किया गया है। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी का भी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी पात्र होंगे अनुबंधित कर्मचारियों। पीएम जन आरोग्य योजना चिरायु एक्सटेंशन योजना के तहत अनुबंधित कर्मचारियों के परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा, ये भी इसके अंदर जो निर्णय के अंदर आया है, इनको उसमें सुविधा देने का काम हमारी आज कैबिनेट के इस फैसले के अंदर किया गया है।